बसमिलोर आसिफ रेशी एंड यूर वॉचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर हम चैप्टर टू पढ़ रहे हैं फिजियोजी का से। सेल मेंब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया जनरल ऑर्गेनाइजेशन देख लिया अब टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है साइटोप्लाजम एंड ऑर्गेनिज ठीक है देखें मैं बार बार इस चैप्टर में आपको बता रहा हूँ कि ये सेल है सेल मेंब्रेन है सेल मेंब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये सारा एरिया कहलाता है साइटोप्लाजम अब होता यह है कि साइटोप्लाजम में इस स्पेशल मशीनरी होती है जिनके पर्टिकुलर काम है प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रही है फिर और बहुत सा एनर्जी बन रही है सो so, वो सारी चीजें कहलाती हैं ऑर्गेनेल्स द स्मॉल मशीनरी इन योर सेल इज नोन एज ऑर्गेनेल्स ठीक है सो साइडोप्लाजम इज फिल्ड विद माइन्यूट एंड लार्ज डिस्पर्स पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिल्स पूरा ये फ्लुइड होता है इट्स अ जेली लाइक फ्लुइड पोर्शन जिसको हम साइटोसोल कहते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है फॉर एग्जांपल, इसमें पोटेशियम है इसमें और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें प्रोटीन्स हैं और इसमें ऑर्गनील्स हैं ठीक है अब ये जो ऑर्गेनिल्स हैं मेजर ऑर्गेनिल्स जो अभी हम जिनका इंट्रोडक्शन लेंगे वो है एंडोप्लाज्मिकुलिस माइटोकॉन्ड्रिया अब इस चैप्टर में गाइटन के जो कि चैप्टर नंबर टू है चूंकि शुरू शुरू के चैप्टर्स हैं तो आपको एक माहौल बना के दिया जा रहा है कि जी ये ये, ये चीजें होती हैं सेल के अंदर ठीक है फिर इनके डिटेल्ड फंक्शन हम मजीद पढ़ेंगे वेन इट कम्स टू देयर फंक्शन बिकॉज ये बहुत डिटेल में ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म और इस चैप्टर में कुछ आगे भी है कुछ आगे और चैप्टर्स में भी है लेकिन इस वक्त इस वीडियो में जो चीज हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये कि बेसिकली ऑर्गेनल्स होते क्या हैं इनका मेजर uh, फंक्शन क्या है ओके okay? सो so, पहला ऑर्गेनल डिस्कस कर रहे हैं जनाब वो है एंडोप्लाज्मिक जिसको हम ईआर ER ईआर भी कहते हैं ER, वैसे मेडिसिन में इमरजेंसी रूम को भी कहा जाता है बट एनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर एंड फ्लैट विजिकुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म मैं डायग्राम दिखा देता हूं आपको देखेंगे हेर इज द डायग्राम ये तो सेंटर में न्यूक्लियस

प्रोटीन्स होती हैं और ये वेजिकल्स जाके अटैच हो जाते हैं फिर इस स्ट्रक्चर पर गोलजा गोलजाटस में फिर कुछ प्रोसेसिंग होती है तो अटैच हो जाएंगे या ये प्रोटीन यही सैटोप्लाजम में रहेंगे या ये प्रोटीन सेल से निकल के बाहर ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे और किसी और सेल पर जाकर अपना फंक्शन करेंगे तो बेसिकली एंडोप्लाजमिक रेटिक्यूलम में यह प्रोटीन की

आपको बताया कि सिस्टर्निंग क्या होते हैं और उनमें से वेजिकल्स किस तरह निकलते हैं ठीक है नाउ दिस ऑर्गेनेल हेल्प्स टू प्रोसेस मॉलिक्यूल्स मेड बाय द सेल सेल में जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन आउटसाइड और इनसाइड द सेल राइट तो ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम है कुछ साइजेस वगैरह के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं कि एक्चुअली ये जो इतनी सारी यूं लेयर्स बनी होती है ना ये लेयर्स लेयर्स क्यों बनी होती हैं कहीं बॉडी में इस तरह बने तो उसका पर्पस होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन के लिए कैपेसिटी बढ़ जाती है सेल की ठीक है नाउ द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंडोप्लाजमिक फिगर अभी दिखाता हूं थोड़ी देर में द स्पेस इन साइड द ट्यूब इज कॉल्ड द मेट्रिक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है वॉटरी मीडियम होता है विच इज ऑब्वियसली डिफरेंट इन कंपोजिशन फ्रॉम द साइटोसोल ठीक है यानी एंडोप्लाजिक रेटिक्यूम के अंदर का जो लिक्विड है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है साइटोसोल के मुकाबले में नाउ इन सम ऑफ़ द द सेल एंटर स्पेस ऑफ द एंडोप्लाजिक रेटिकुलम एंड दे आर डायरेक्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द सेल ऑल्सो वास्ट सरफेस एरिया ऑफ दिस रेटिकुलम एंड मल्टीपल एंजाइम सिस्टम अटैच्ड टू इट मेमब्रेन प्रोवाइड मैकोज फॉर्म एज सो ये इन्होंने क्या किया है कि यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेक्शन लेके आपको इनलार्ज करके दिखाया है तो बेसिकली ये स्टैक्स हैं सिस्टर्नी और इसके अंदर का ये एरिया है यहां पे जो लिक्विड होगा इसको नाम क्या देंगे मेट्रेक्स तो बता बात क्या हो रही है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में जो मुख्तु चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं पर्टिकुलरली प्रोटीन्स वो आती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहां उनके साथ प्रोसेस होता है एन ग्लाइकोसाइलेशन का वो यहां से रिलीज होती हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाती हैं गोलजाए बॉडीज में और गोलजाए बॉडीज में फर्दर ओ ग्लाइको

एनग्लाइकोसलेशन होती है और फिर वो निकल के जाती है अपैरेटस में ठीक है so, प्रोटीन की डायरेक्टली हो रही होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और अगर वो पार्ट्स

पैरेटस, पैराटस पैरेटस इज क्लोजली रिलेटेड टू रेटिकुलम। ये बात मैंने आपको बताई ना कि यहां पे जो पैरेटस है वो देखें ये वेजिकल निकल रहे हैं और ये जाके कहाँ फ्यूज हो जाएंगे ठीक so, है? इट मेम्ब्रेन सिमिलर टू रेटिकुलम लेकिन इस पर राइबोसोम्स नहीं होते ठीक है गोलजा एपेराटस इज यूजली कंपोज ऑफ फोर और मोर स्टैक्ड ऑफ थिन फ्लैट इनक्लोज वेजिकल लाइंग नियर

ज में इंसुलिन निकल रहा है तो इस सेल के अंदर बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रही है किस चीज की इंसुलिन की तो हर वो सेल जिसमें सिक्रीशन बहुत ज्यादा होगी उसमें बहुत ज्यादा होगा क्योंकि गोलजी का, का काम ये देखो सीक्वेंस याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेगी यहां से वेजिकल पास होंगे गोलजाटिस में और गोल्जाटस से चले जाएंगे आउटसाइड द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एन ग्लाइकोसाइलेशन और गोलजाटिस में ओ ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोटीन विल मूव आउट ऑफ द सेल सो वो सेल्स जिनका काम प्राइमरी

दर प्रोसेसिंग ओके तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए

चली जाएंगी, ठीक है ये पूरा मोटा मोटा साइकिल है फर्दर डिटेल्स आएंगी अगले चैप्टर्स में ओके नाउ अगला ऑर्गेनेल ऑर्गेल रेटिकुलम पढ़ लिया, लिया द नेक्स्ट है, है? में होते हैं इस तरह आर वेजिकुलर, कहां से बनते हैं फ्रॉम द ठीक है नाउ द लाइसोसोम्स प्रोवाइड एन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम ये अंदर ही अंदर चीजों को डाइजेस्ट करते हैं सेल के अंदर दैट अलाउज द सेल टू डाइजेस्ट चीज को डाइजेस्ट करते हैं डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर्स यानी ये सेल है सेल के अंदर कोई कोई सब से फॉर एग्जांपल ऑर्गेनल है कोई चीज बहुत पुरानी हो गई है और वो डैमेज हो गई है, सो लाइसोसोम विल किल इट इट विल ईट इट ओके सो ओल्ड डैमेज अप बाय लाइसोसोम फूड इंजेस्टेड बाय द सेल अनवांटेड मैटर सच एज बैक्टीरिया सो लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट काम है ठीक है नया लाइसोसोम्स आर डिफरेंट इन वेरियस सेल टाइप्स टू फिफ्टी टू सेवन फिफ्टी नैनोमीटर्स इन डायमी दे आर यूजअली राउंडेड बाई टिपिकल लिपिड बायलेयर दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाई लिपिड बायलेयर ठीक है उसमें स्मॉल ग्रैन्यूल होते हैं लाइसासोम के अंदर फाइव टू एट निनोमीटर्स जिसमें प्रोटीन एग्रीगेट्स इंजाइम होते हैं बेसिकली हाइड्रोलेटिक इन्जाइम सो ये सेल है सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है इसमें ये जो लाइसासोम है इसमें जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं उस ग्रेन्यूल्स में हाइड्रोलेजिस हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे ठीक है हाइड्रोलिटिक इंजाइम इज केबल ऑफ स्प्रेडिंग एन एनी ऑर्गेनिक इन टू और मोर पार्ट्स बाई कम्बाइनिंग हाइड्रोजन फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल विद ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस बता रहे हैं बेसिकली कि लाइसोसोम किस तरह काम करता है हाइड्रोलेजिस किस तरह काम करते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन इज हाइड्रोलाइज टू फॉर्म अमाइनो एसिड ग्लाइकोजन इज हाइड्रोलाइज टू फॉर्म ग्लूकोज लिपिड्स आर हाइड्रोलाइज टू फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्रिलेस्ट्रॉल तो हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर नाउ हाइड्रोलिक इंजाइम आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन लाइसोसोम समझ आगे बात ऑर्डिरली The membrane surrounding the lysosome प्रिवेंट द इनक्लोज हाइड्रोटिक इजाइम फ्राम कमिंग इन टू कॉन्टेक्ट विदर सब्सटेंस इन द सेल एंड देर फॉर प्रीवेंट द डायजेस्टिव एक्शन ये बिल्कुल ऐसे है देखो ये अगर लाइसोसोम है ना इसके अंदर यह बहुत सारे हाइड्रोल्टिक इंजाइम है इनको मेमब्रेन में बंद रखना जरूरी है वर्ना क्या हुआ है रिलीज होंगे सेल के अंदर और सेल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे जैसे कहते हैं सुसाइड ऑफ द सेल अगर लाइसोसोम का बैक खुल गया तो सुसाइडल अटैम्प्ट हो जाएगी ठीक है नाउ दीज इंजाइम स्प्रिट ऑर्गेनिक सब्सटेंसिस बात हम कर चुके हैं डाइजेशन um, में हेल्प करते हैं सो so, लाइसोसोम Achha, फिर एक और वेरिएंट है इसमें भी कुछ इंजाइम स्ट्रक्चर भी और इंपॉर्टेंट डिफरेंसिस वैन कंपेयर टू लाइसिसोम एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि भाई लाइसिसोम और में क्या फर्क है तो वो डिफरेंस आपको बता होना चाहिए फर्स्ट दे आर बिलीव टू बी फॉर्म बाई से और पर एडोप्लाजमिकर यह गोल्जा पैर

बहुत सारे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं जो सेल के लिए पॉइजनस हो सकते हैं यानी अगर ये सेल है इस सेल के अंदर कोई खतरनाक चीज आ गई तो जनाब एक्टिवेट हो जाएगा आपका पर ऑक्सीसोम सिस्टम इसमें से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड निकलेगा इसमें से कैटलाइजेज निकलेंगे और इस खतरनाक चीज को ऑक्सीडाइज करके नॉन खतरनाक चीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पर ओके इट्स काइंड ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर सेल अच्छा जी फिर बात हो रही है सिकरेट

Powerhouse of the cell. Here. Now, mitochondria are present in all areas of the cell. ठीक है ना बहुत जगहों पे सेल में होगा लेकिन एक बात है कि ये उन जगहों पर बहुत ज्यादा होता है जिनका काम ऐसा है कि जिसको एनर्जी बहुत चाहिए फॉर एग्जाम्पल कार्डियक मसल्स कार्डियक माइसाइड्स जो हैं दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसीलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं एडिपोसाइड्स फॉर एग्जाम्पल हैं एडिपोसाइड्स का काम इतना एक्टिव नहीं है लेजी हैं सुस्त हैं पड़े हुए हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट लेस होती है ओके okay? ये बात आपको याद रखनी है दूसरा ये दे आर ऑल्सो वेरिएबल इन साइज कहीं बहुत बड़े होते हैं कहीं बहुत छोटे होते हैं और इंपॉर्टेंट ये है कि दे

अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है यहां ये बातें हो रही हैं आउटर मेमब्रेन है इनर मेब्रेन है इनर मेब्रेन की जो कॉन्डुलेशन है उनको क्रिस्टी कहते हैं इसमें जो लिक्विड है उसको मैट्रिक्स कहते हैं ये सारी इजी बातें इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है ए ये बातें मैं आपको अभी बता चुका एक इंपॉर्टेंट बात माइक्रोकॉन्ड्रिया बाकी ऑर्गेनिल से थोड़ा डिफरेंट इस तरह है कि इसमें अपना डीएनए होता है ओ माई गॉड ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है ये देखो सेल है सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में तो क्रोमोसोम है ना उसका डीएनए है हमें पता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी एक्टली सिमिलर डीएनए मौजूद है सो माइटोकॉन्ड्रिया इस वेरी कॉन्फिडेंट ओ गॉड मैं मैं अपना डीएनए अपने डीएनए का मतलब ये है कि ये एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है दो से चार माइटो सो इसमें सेल्फ रेप्लीकेशन की कैपेसिटी है क्योंकि डीएनए मौजूद है ठीक है सो माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लीकेटिव मीनस दैट वन माइटोकॉन्ड्रिया कैन फॉर्म द सेकंड वन अ थर्ड वन एंड सो ऑन सो वन द सेल नीड्स एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ ए टीपी माइटोकॉन्ड्रिया का सेल डिवीजन बढ़ जाता है फॉर एक्जाम्प Example, देखो किडनी में नेफ्रॉन होता है ना नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल का अगर ये एक सेल है ये देखो प्रोक्सिमल कॉन्विटरी ट्यूब्यूल ऐसा पार्ट है नेफ्रॉन का जिसमें एक्टिव रीअब्जॉर्ब होती है चीज़ों की बहुत एक्टिव रीब्सॉर्प्शन ये यह यहाँ से जितना कुछ रिलीज होता है ना यूरिन बनने के लिए फिल्ट्रेट आता है वो मतलब 80 टू 90 परसेंट तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्रिब्यूल में ये आगे पढ़ेंगे रीनल फिजियोलॉजी में फिर होता ये है कि जैसे सोडियम आइन है अब सोडियम आइन सेल में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता जाएगा यहां पे पंप्स लगे होते हैं ये पंप इस सोडियम को बाहर निकाल देते हैं अब इस पंप को सोडियम पोटासियम ए है एनर्जी चाहिए ए चाहिए तो बताने का मकसद यह है कि जनाब सोडियम की मूवमेंट के लिए एटीपी और बहुत सारी चीजों की मूवमेंट के लिए एटीपी चाहिए सो प्रोजिमल कॉन्वोलेटी ट्यूब्यूल को बेसिकली बहुत एनर्जी चाहिए इसीलिए यहां माइट्रोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज्यादा होती है सो so, जब हम इसको देखते हैं ना माइक्रोस्कोप में तो यहाँ मेम्रेन के इर्गर्द बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे होते हैं सो दे हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेप्लीकेशन जिस सेल को एनर्जी ज्यादा चाहिए उस सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाती है ठीक है तो ये बात आपको जनाब याद रखनी है um,